वर्तमान में जो माहौल है कोरोना के कारण, इस बात का ध्यान में रखते हुए यह वीडियो किसी एक वर्ग या किसी एक जाति या किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छा संदेश है पूरे विश्व के लिए। अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। जब अमेरिका में कोरोना से पहली मौत हुई थी, तब मैट और कॉल्विन नाम के दो सगे भाइयों ने ये दिमाग में लाया कि क्यों ना हम सैनिटाइजर को ऑनलाइन बेचें। 4-5 दिनों में उन्होंने 17,700 बॉटल को कलेक्ट किया और अमेजॉन पे इन्होंने बेचना शुरू किया। एक खबर के मुताबिक इन्होंने एक सैनिटाइजर की बॉटल 4 से 5 हज़ार रुपये पर बेचना शुरू किया। अमेजॉन ने इनकी जो सेलर आईडी थी उसको सस्पेंड किया और कुछ दिनों बाद अमेरिका के लोग इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे और इनसे सामान खरीदना बंद कर दिए। देखिए, ये जो माहौल है इस समय कोरोना का, यहाँ पे या तो हम मानव बन सकते हैं या तो दानव बन सकते हैं। कोरोना के कारण खाने पीने की वस्तुएं, सैनिटाइजर्स, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। और अगर हम ये सोचेंगे, अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे कि नहीं, इससे हमारा व्यवसाय बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना फैले तो हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा होगा, आप इस चीज़ को याद रखें कि जो लोग खरीद रहे हैं सामान, इस समय मजबूरी में सामान खरीद रहे हैं, तो कम से कम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस संकट की घड़ी में लोगों को सस्ते से सस्ते दामों पे आप उनको सामान दें। हो सके तो आप स्टॉक पूरा करिए, उनको देने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि उस व्यक्ति को हमें लूटना है या हमें उसे सामान महंगा देना है, क्योंकि आज नहीं तो कल नकारात्मक चीज़ें जब आपके पास आएंगी तो उसका रिजल्ट भी आज नहीं तो कल कभी ना कभी बुरा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति मजबूरी में आज आपसे सामान खरीद रहा है। कोरोना किसी भी बड़े लोगों के लिए या छोटे लोगों के लिए नहीं है, वो सबके लिए समान है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति घर के अंदर अपने लॉकडाउन हो गया है, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है सारी चीज़ें। और सिर्फ ये बात है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, लोग महंगी कर रहे हैं, ऐसी कई चीज़ें आ रही हैं। आज आपको छोटा सी बात बता रहे हैं, एक ये 10 रुपये का ये जो हैंड ये जो मास्क था, इस ये लोकल मास्क बनाया गया, मैं नाम नहीं लूँगा, शहर के अंदर पे लोकल मास्क इसको बनाया गया और इसमें स्ट्रिपिंग करके इसको 80 रुपये पे बेचा जा रहा है। ये कंडीशन है आज की डेट में, ये कंडीशन है अपने यहाँ पे। तो इस हिसाब से ले करके आप ये सोचिए कि किस भावना से लोग व्यापार करने में लग रहे हैं, इस कठिन परिस्थिति में लोग किस हिसाब से व्यापार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कम से कम आज तो सुधर जाओ यार, आज सुधरने का समय है। यहाँ पे लोग दिमाग लगा रहे हैं कि हम अपनी दुकान कैसे खोल दें। अरे दुकान खोलकर क्या करोगे, जब मानव सभ्यता ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपकी कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास में? जब कुछ बचेगा ही नहीं तो आप करोगे किससे व्यापार? कम से कम 21 दिन का लॉकडाउन है, आप घर पर बैठिए, हेल्दी टाइम स्पेंड करिए। आप बोर हो रहे हैं तो कुछ भी करिए, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आप घूमने निकल गए, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डिफरेंट टाइप के आप बहाने बना रहे हैं बाहर निकलने के लिए, मेडिकल का बहाना ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का बहाना ले रहे हैं, तो आप इस चीज़ों का बहाना मत लीजिए। क्योंकि अभी इटली में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई, वो विश्व में किसी भी एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी, कल की डेट में 742 मौतें हुई हैं। आप ये सोचिए, एक दिन में 742 लोग मर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति में इटली और ये जो बाकी कंट्री हैं वो सर्वाइव कर रही है। हमारा देश तो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कम से कम इस चीज़ों का ध्यान रखिए और प्लीज़ चीज़ों की ब्लैकमेलिंग करना बंद करिए। अब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, वो जो रेट्स हैं, कम से कम उसकी पूर्ति तो करिए और उसको सही रेट्स पे दीजिए। अच्छी चीज़ें लेंगे, अच्छी चीज़ें रहेंगी, तो चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच।